से मारा है? सर डंडा से ऐसे पटक पटक के जमीन पर, जैसे मकई पीटता है गेहूँ पीटता है वैसे ही सर उसको मार दिया। यानी अपने ही औलाद के पिता मार दिया? पापा उसका खर्चा उर्चा नहीं देता था सर। हाँ। तो हम तो मजबूरी में उसको कहेंगे कि बुआ अपना बहुत सारे ले जाइए। हाँ। हम जितना सकेंगे सर उतना ही ना करेंगे, पांच पाँच बच्चा पैदा करेगा वो हमारे लिए देना छोड़ दिया। फिर हमारी बेटी को मारा, कपाल तोड़ दिया, मेरे नतनी को मारा, मेरे नाती को मार दिया, फिर नतनी को मारा। आज क्या हुआ? मेरे पत्नी को मारा, सारा गहना गुड़िया चुरा के ले गया, एकदम नशेली और बस जात है वो लड़का। आज क्या घटना घटी है? आज सर तो उसको मार के वो एक बेटी को मार दिया, हम तो यहाँ थे नहीं, हम वो अपने घर में आए, एक बेटा को यह देखेगा भाई सामने। किनको मार दिया है? किनको? अपने बचिया को, कुछ और रानी नाम है उसका। उम्र कितना है उसका? 7 साल, 8 साल या 9 साल हो गया सर। क्या चीज? मोतीपुर। घायल भी है? पिता के क्या नाम है जो इसे काम? श्री नारायण सिंह। उनका घर कहाँ है? उनका वो क्या भी पाना छपरा। पाना छपरा मोतीपुर थाना के? मोतीपुर। घायल कौन है? घायल का क्या नाम है बच्ची? उसका नाम है पूछो रानी जो मर गई। हाँ। और छोटा लड़का है उसका नाम है, नाम भी अभी याद है यार। आप नाना हुए? जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजीव कुमार हुआ सर। एक बच्चा घायल है अभी पूरा, आ जाइए बचेगा कि नहीं बचेगा। मीडिया बाजी करने से तो कुछ वो नहीं हो जाएगा। कहाँ जो आपको दिखाता है सच का आईना।